सड़क हादसे में एक की मौत, वहीं दूसरा गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया। दिनों दिन बढ़ती जा रही है सड़क दुर्घटनाएं, इसी के चलते आज गोकुल सिंह चौक पर अनियंत्रित तेज गति से आ रही कार ने मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को आगे से टक्कर मार दी। दोनों ही रेलवे के कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो कि अपने काम पर जा रहे थे। घटना इतनी भीषण थी कि मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं उस तेज रफ्तार कार का कहर इतने में नहीं थमा, आगे जाकर वह भी एक माइलस्टोन से टकरा गई और पलट गई। गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी कितनी तेज रफ्तार में होगी। वहीं मौके पर से ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। मैं गुना से मोगड़ा की जा रहा था, जब मैंने देखा कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, वो भी अपनी साइड पे थी, मैं भी अपनी साइड पे था और फुल रोड खाली थी, लेकिन वो थोड़ी तेज आ रही थी। थोड़ी देर उसने क्या मेरे साइड अपना वो घुमा दिया, हाँ, तो मैंने थोड़ा और साइड में कर ली अपनी गाड़ी, ठीक, तो उसने और घुमाई तो फिर कच्ची उतार दी गाड़ी, तो मैं कच्चे पता जैसे हिट कर दिया। आप कितने लोग थे? टू व्हीलर दो लोग। क्या आपका नाम? विजन सिंह तोमर। और साथ में कौन थे? गजा सिंह। तो आप कहीं जॉब करने जाते हैं? मऊगढ़ स्टेशन। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? SMT डिपार्टमेंट। अच्छा, तो फिर आपके साथ जो थे उनकी कैसी हालत है? वो एक्सपायर हो गए। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी टाइम 25-26। आपकी कितनी? मेरी 24। तो मतलब वो जो गाड़ी चला रहा था वो मैं चला रहा था? अरे नहीं, टू व्हीलर, वो फोर व्हीलर पे जो थे उनकी क्या कंडीशन थी? उनको मैंने देखा ही नहीं, कैसे मेरी गाड़ी में लोगों ने बताया कि वो भी आने जाके भिड़ गया कहीं। अच्छा, मतलब गाड़ी की भी बहुत बुरी हाल, डैमेज। मेरा गाड़ी का वो फट गया, पता है इंजन फट गया। गाड़ी कौन सी थी, फोर व्हीलर, आपको पता है क्या? नहीं, मेरी स्पोर्ट थी।